भूतम प्रपन्नपारिजाताय गोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गायो दुर्भाग्योपालनमनः दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुगीता कर्तव्या विनन्यैः शास्त्रविस्तरैः तद्मनाभस्य मुखश्रुता भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही कहा कि वो चोर है और वो संत है, दोनों का वर्णन में एक साथ आया, एक चोर है एक संत। जो भूमते तेन है, तेन माने चोर, और यज्ञ शिष्टाचन संतो मुच्यंते सर्व किलवेश। एक संत है एक चोर, एक चोर कौन है? तो चोर वो है कि जिसकी कृपा से, जिसकी सहायता से, जिसकी सुरक्षा से, जिसकी प्रेरणा से हमें वस्तु मिली, उसी को भूल जाएं। कैसे भूलते हैं? जैसे आपको भोजन मिलता है, भोजन की ही बात ले लें, कपड़े की छोड़ देते हैं, पैसे की छोड़ देते हैं, मकान की छोड़ देते हैं। तो अगर दुनिया में लोग ईमानदारी न रखें तो क्या आपको रोटी मिल सकती है? चाहते तो आप ये हैं कि हम चाहे जितनी बेईमानी कर लें, लेकिन दुनिया का कोई आदमी हमारे साथ बेईमानी न करे। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? अपने दिल में देखिए, आप चाहते हैं कि हम भले किसी से झूठ बोल लें लेकिन दूसरा हमसे झूठ न बोले, हम भले बेईमानी कर लें दूसरा हमसे बेईमानी न करे। माने आप अपने सिवाय सबको ईमानदार देखना चाहते हैं, इतनी सद्भावना है आपके हृदय में। और हम भले दूसरे का पैसा ले लें या दूसरा हमारा न ले, आप दूसरे को साहूकार देखना चाहते हैं। यदि दुनिया में 100 आदमी हैं तो आप अकेले ही चोर रहना चाहते हैं, बाकी सबको ईमानदार रखना चाहते हैं। इसी से हम कहते हैं कि ईमानदारी की या सच की या अहिंसा की जितनी मांग दुनिया में आज है, इतनी कभी नहीं थी। क्योंकि आज तो केवल अपने आप को ही बेईमान रखना चाहते हैं, बाकी सबको ईमानदार देखना चाहते हैं। पहले इससे उल्टी संस्कृति थी, वो ये थी कि हम ईमानदार रहें, दुनिया चाहे जैसी रहे, है ना? और इस तरह सब लोग सोचते थे तो अपने अपने को ईमानदार बना लेते थे और सब ईमानदार हो जाते थे। और जब ऐसे सोचते हैं कि हमारे सिवाय सबको ईमानदार रहना चाहिए, तो सब ऐसे ही सोचते हैं, है ना? और कोई ईमानदार नहीं होता था। इसलिए धर्म के संबंध में आत्मदृष्टि होना बहुत जरूरी है, आप इस बात पर ध्यान दो। तो अगर दुनिया में दूसरे लोग ईमानदार न हो तो आपको रोटी नहीं खाने देंगे। तो आपका ये कर्तव्य हो जाता है कि उन ईमानदारों को भी अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा दें। जिनकी वजह से दुनिया में ईमानदारी बढ़े, सच बढ़े, अहिंसा बढ़े, सदाचार बढ़े, उन साधुओं को, उन विद्वानों को रोटी देना आपका कर्तव्य हो जाता है। उन सैनिकों को, चाहे वो खेती करें कि न करें, दुकान करें न करें, कारखाना खोलें न खोलें, लेकिन उन सैनिकों को जिनकी वजह से आपकी रक्षा होती है, उनको भी रोटी देना आपका कर्तव्य है। जो आपके घर बैठे भोजन पहुंचा देता है उसको रोटी देना भी आपका कर्तव्य है। जो आपके खेत में फावड़ा चलाता है और जो आपके कारखाने में मशीन चलाता है उसको रोटी देना भी आपका कर्तव्य है। ये बात तो बहुत साफ है। हाँ,
आपको धरती की भी पूजा करनी चाहिए, जल की भी, अग्नि की भी, वायु की भी, सूर्य की भी, आकाश की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपको रोटी खाने को मिलते है, देश को भी और काल को भी, है ना। जिस देश में आप पैदा हुए हैं उस देश की सेवा करना आपका कर्तव्य है। जिस मास बाप से आप पैदा हुए हैं उसको उसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। जिस सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह से आप मदद लेते हैं उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। जिस ईश्वर की प्रेरणा से आपको जीवन मिला है, असली पिता माँ बाप के ईश्वर है, दूसरे माँ बाप ये समझती है, देश है, अपने माँ बाप हैं, और इसी प्रकार जो हमें विद्या मिलती है ना उसके माँ बाप पढ़ाने वाले हैं, जो हमको सदाचार संस्कार मिलते हैं उसके मूलभूत संत हैं, जो हमारे हृदय में रह के प्रेरणा देता है वो ईश्वर है। तो तैर दत्ता न प्रभाव जो घूमते स्तन एवसः, जिनकी मदद से हम जिंदा रहते हैं और जिनका दिया हुआ, जिनकी मदद से हम खाते हैं। आप समझते होंगे कि एक साधु यहाँ से 1000 मील दूर हिमालय में बैठा है, वो हमारी क्या मदद करते हैं। जो धन छोड़कर, मकान छोड़कर, दुकान छोड़कर, बिना किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह किए हुए हिमालय में बैठा है, उसके वहां बैठने पर भी यहाँ के लोगों को त्याग की प्रेरणा मिलती है, ईमानदारी की प्रेरणा मिलती है, दुनिया के छल कपट में क्या रखा है। तो साधुओं की, विद्वानों की, देवताओं की, ईश्वर की, अपने रक्षक की सेवा करके आपको खाना चाहिए। तैर दत्तान अप्रदाये जो भूमते नहीं रहता, जिनकी मदद से हमको भोजन मिलता है उसको दिए बिना, उसको दिए बिना नहीं खाना चाहिए, चोरी है, चोरी। और जो पैदा नहीं कर सकते, कोढ़ी हैं, पंगू हैं, अंधे हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, पागल हैं, उनको खिलाने की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। कई दत्ता न प्रदायो भूमते थे। अच्छा, आप ये नहीं समझे हैं कि जो लोग काम करते हैं वही करते हैं। हमने संकल्प के चमत्कार देखे, जो एकांत में गुफा में बैठ करके संकल्प करते हैं, सब संकल्प उनके चमत्कार मैंने देखे हैं। उनका संसार पर प्रभाव पड़ता है ना। आप 20वीं शताब्दी में मानोगे कि नहीं मानोगे ये बात तो हम नहीं जानते। एक बार हमको भूख लगी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, स्वर्गाश्रम से जरा ब्रह्मपुरी चले गए थे जहाँ स्वामी राम तीर्थ तपस्या करते थे। सुना था बड़ा दिव्य स्थान है, हर हर गंगा जी बह रही है, चारों ओर जंगल है, कभी कभी हाथी आ जाते हैं। तो एक दिन सवेरे उठा और पहुंच गया वहां, गंगा स्नान किया, स्वामी राम तीर्थ के गुफा ब्रह्मपुरी में बैठा कि भजन करेंगे। अब महाराज 10 बजे तक 11 बजे तक तो बढ़िया भजन हुआ, अब उसके बाद ये हुआ कि रोटी कहाँ मिलेगी। तो कोई आता हुआ दिखे ना तो मन में आए कि ये आदमी आके हमसे कहेगा कि महाराज हम भोजन लेके आए हैं ना। हाँ, दूर से कोई मोटर जाती हुई सड़क पर ऊपर पहाड़ पर दिखे तो ये ख्याल हो कि मोटर रोक के वो ब्रह्मपुरी देखने आएंगे तो हमको खिला देंगे। देखो मन का है ना, मन का खेल। तो जब 11-12 बजे तक कोई नहीं आया तो फिर मैं वहां से उठा और मैंने कहा चलो अपन स्वर्गाश्रम में चलेंगे। और रास्ते में मिले एक महात्मा, क्यों भाई क्या बात है, चलो हमारे साथ गरुड़ गति चलो। मैंने कहा आप भूख लगी है महाराज, आप गरुड़ गति चलने का कहते हैं, कैसा भूख लगी है, चलो चल। एक बात बताते हैं, वो आया नहीं, उनकी मुट्ठी में कुछ नहीं आया, वो आसमान में से कुछ नहीं आया, बोले अरे चल चलो चलो हमारे साथ चलो गरुड़ गति। एक फरलांग भी नहीं गए होंगे महाराज गरुड़ गति की तरफ से। पीछे से एक आदमी पुकारता हुआ आया, महाराज महाराज जरा ठहरो ठहरो। ठहर गए, क्या बात है,
बोले कि हमारे मंदिर में भोजन बना है, आप लोग करके जाओ। तो महात्मा ने कहा, हम लोग फलाहार करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। बोले, आज एकादशी है महाराज, सब मंदिर में फलाहार ही बना है, और जिन लोगों को बुलाया गया था भोजन करने के लिए वो आए नहीं, है ना। तो पुजारी ने देखा कि साधु जा रहे हैं, रास्ते में बुला के ले आओ, खिला दो, और तुरंत मिल गया भोजन हो। और उस साधु का जिसने कहा कि चल, हम कहते हैं कि ये बिल्कुल उसका संकल्प था, ये उसके संकल्प की सिद्धि थी। अच्छा, कभी कभी भगवान भी कृपा करते हैं, बोला संकल्प भी सिद्ध होता है, भगवान कृपा भी करते हैं। हो, मैं और चक्र भी, सुदर्शन सिंह चक्र, दोनों जगन्नाथपुरी की तरफ से आ रहे हैं, ब्रह्मपुरम से आ रहे हैं, दक्षिण में आंध्र में पैसा खत्म हो गया, हम लोग बड़ी गरीबी से जीवन बिता चुके हैं। बोला, हमने एक एक पैसे दिन में गुजर किया है, एक एक पैसे दिन में, एक पैसे का खरीद के खा लेते थे, चना खा लेते, मुरमुरा खा लेते, चिवड़ा खा लेते। अब से 40 बरस पहले तो वजीराबाद एक स्टेशन पड़ता है गया से पहले, वहां पैसा खत्म हो गया, तो हम लोगों ने कहा चलो पैदल चलेंगे, ट्रेन से उतर गए, बिना टिकट के गाड़ी में कैसे चलेंगे। तो एक दिन फिर रात को हम लोग सड़क पर चल रहे थे, तो एक पुजारी ने बुला के खिला दिया। दूसरे दिन महाराज हम लोग दिन भर में कोई 28 मील चले, लेकिन खाने का की दौल नहीं देखे, सोने की भी नहीं देखे। एक बख्तियारपुर से पहले हरनौत नाम का स्टेशन है, वहां के मुसाफिर खाने में 11 बजे रात को जा करके सोने का उपक्रम करने लगे, वहां रात को गाड़ी वाड़ी नहीं जाती आती है, कोई नहीं था। दो बालक आए हमारे पास, जो हमने अपना चदरा बिछाया धरती पर, वो बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, गोरे गोरे, अब याद आती है कि चमकता था उनका शरीर, वो स्टेशन में रोशनी होती तब भी उतना नहीं चमकता, बिना रोशनी के चमकता था। आके हमारे पास बैठ गए, बोले कुछ खाओगे, थक गए हैं, 28 मील चले हैं, दिन भर भूखे हैं, खाने को कुछ मिले तो क्यों नहीं खाएंगे। दो दोने में खोया ले आए हो, खोया ले आए, और कहाँ रहते हो, यहीं रहते हैं। दूसरे दिन हम लोगों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिले। कभी कभी ईश्वर भी कृपा करता है। आप लोग आजकल जो नास्तिकता का वातावरण है उसके चक्कर में नहीं पड़े, बोला श्री उड़िया बाबा जी महाराज को जहां जरूरत होती थी वही भोजन आ जाता था। हम तो उनके साथ 5-7 बरस 8 बरस अच्छा 15-1 बरस उनके साथ कुल संपर्क रहा, उनमें से 7 बरस 8 बरस तो हम उनके बिल्कुल सोलह आने साथ रहे, माने उनके साथ खाना, उनके साथ सोना, उनके साथ बैठना, उनको जहां जरूरत पड़ती थी भोजन आ जाता था। तो ये भोजन के लिए जो लोग दीन हो जाते हैं वो तो मूर्ख हैं, न उनका ईश्वर पर विश्वास है, न प्रारब्ध पर विश्वास है, न प्रकृति पर विश्वास है, न योग पर विश्वास है, न संकल्प पर विश्वास है ना। माने कहीं भी देखो, हमने ईश्वर से लेकर के ईश्वर, माया, प्रकृति, प्रारब्ध है, और कहीं भी अपने संकल्प योगाभ्यास, कहीं भी उनका विश्वास नहीं है जो लोग रोटी के लिए व्याकुल होते हैं। तो बाबा खाना हो तो खिला के खाओ, जो भूखे से नहीं होता, जो बिना खिलाए खाता है वो चोर है। इस तेन शब्द का अर्थ सीधा संस्कृत में चोर है, चोर। अच्छा, ऐसा भी देखा है, ऐसे उदार पुरुष रहते हैं। हमारे गांव के पास एक आदमी था, कंचन जार्ज ने उससे हाथ मिलाया था, वो तो उसको कहते कहता था तुम लोग हमारे सामने क्या होते हो, कंचन जार्ज ने हमसे हाथ मिलाया है ना, और खाट बिछा के पड़ा रहता, हुक्का गुड़गुड़ाता रहता। लेकिन कोई महाराज उस राजपूत के सामने से अगर निकल जाए तो वो खिलाए बिना नहीं छोड़ता था, सारा घर बिक गया, संपत्ति बिक गई। और रात को कोई आ जाए और घर में लकड़ी ना हो तो किवाड़ी तोड़वा दे, पलंग तोड़वा दे, अपना थाली लेटा बनिए के घर भेज के। बाद में बनिया लोग जो है ना, वो जानते थे कि इनके घर में कुछ नहीं है, ये दूसरों को खिलाने के लिए अन्न मंगाया होगा, तो बनिया लोग नहीं देते थे, कहते थे ये बेच डालता है सब, उधार नहीं देते थे।
तो अपना थाली लोटा गिलास बनिए के घर भेज देते थे और खिला देते थे। हमारे पिताजी के शिष्य ही थे, तो मैंने पूछा उनसे एक दिन, खिला के खाने में बड़ा मजा आता होगा। तो वो बोले कि खिला के खाने में मजा नहीं आता है महाराज, खिला के भूखे रहने में जो मजा आता है वो खिला के खाने में नहीं रह पाता है। बोला ये उसका अनुभव होता है, दूसरे को खिला के जिस दिन हम भूखे रह जाते हैं मजा तो उस दिन आता है कि हाँ आज हमसे कुछ सेवा हुए, और जिस दिन खिला के खाने को मिल जाता है उस दिन इतना मजा नहीं आता। और जो खिला के खाता है वो कौन है? बोले आप भले घर गृहस्थी में रहते हैं, यज्ञ शिष्टा पुनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी ही भुंजते ते स्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा पुनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी ही संत हैं तो मैं केवल एक ध्यान ही खींचता हूं आपका। भागवत वैष्णव ग्रंथ है ना, आप जानते हैं वैष्णव ग्रंथ है बिल्कुल, परंतु उसमें कहीं ये बात नहीं आई है कि वैष्णव को चंदन कैसा लगाना चाहिए, खड़ा किया रहा बिल्कुल नहीं है। मैं सारे श्रीमद् भागवत को है ना टीका टिप्पणी सहित हो हमारे दिमाग में भरा हुआ है, हमारे अंतःकरण के एक एक कण में श्रीमद् भागवत है। कहीं भी श्रीमद् भागवत में ये बात नहीं है कि एक भक्त चंदन खड़ा लगाता है कि आड़ा लगाता है, और ये बात कहीं नहीं है कि वो कपड़ा लाल पहनता है कि पीला पहनता है, कहीं नहीं है। अच्छा वो रुद्राक्ष की माला पहनता है कि तुलसी की, तो ये भी नहीं है। बोला वो जटा रखता है कि नहीं रखता, ये बात बिल्कुल नहीं है। बाहरी चिन्ह से कोई वैष्णव नहीं होता, बाहरी चिन्ह से कोई सन्यासी नहीं होता, ये तो एक अंतर दृष्टि है। वो वैष्णवी दृष्टि भी एक दृष्टि है और वेदांत दृष्टि भी एक दृष्टि है। हमारे जीवन में एक दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टि का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। वैष्णव शास्त्र का भी यही अर्थ है और वेदांत शास्त्र का भी यही अर्थ है। आपको देखो दोनों हम सुना देते हैं, अयम तु परमो धर्मो यद्योगेनात्म दर्शनम। ये परम धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म है क्या? योग के द्वारा आत्मदृष्टि हो जाए, आत्मदृष्टि हो जाए माने सब अपना आत्मा ही है, ये दृष्टि प्राप्त हो जाए। ये जाग्यवल की स्मृति का वचन है, मैंने जाग्यवल की स्मृति की मिताक्ष प्रातिका स्वामी मनीषानंद जी सरस्वती महाराज से पढ़ी थी काशी। बड़े वृद्ध सुकुमार शास्त्री के जोड़ीदार थे, बड़े वृद्ध थे उस समय, उन्होंने पढ़ाई थी। भक्त दृष्टि क्या होते है? भक्त दृष्टि क्या होते है? बोले सदै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। धर्म वो है जिससे भगवान में भक्ति हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है। तो क्या धर्म है? तो भगवान की भक्ति हृदय में आए। तो भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो यत् सर्वत्र तदीक्षणम्, सब में भगवान को देखना, ये भगवत दृष्टि है। ये दृष्टि प्राप्त हो गई तब आप संत हो गए। सर्वत्र भगवान है ये दृष्टि प्राप्त हो गई तो संत, सब में अपने ही आत्मा है ये दृष्टि प्राप्त हो गई तो संत, और चंदन लगाया आड़ा और खड़ा, कपड़ा पहना पीला और लाल, और बाल से कभी मुंडी हुए और कभी जटी हुए, इससे कोई संत नहीं होता है। संत एक अंतर दृष्टि है, संत एक जीवन का दृष्टिकोण है। तो बोला यज्ञ शिष्टा सुनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। आप उड़िया बाबा जी का नाम मेरे मुंह से बहुत बार सुनते हैं, वैसे भी जानते होंगे।
उनकी एक विशेषता आपको बताता हूँ। वो भोजन कब करते थे आपको मालूम नहीं होगा, मैंने उनके साथ वर्षों तक भोजन साथ बैठ के किया है। वो भोजन तब करते थे जब आश्रम में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति भोजन कर सकता था। जितने दर्शनार्थी लोग आते थे, जितने भक्त आते थे, उनको खिला के अपने हाथ से परोसते थे। बोला जब मैं आया पहले पहल वाराणसी से, तो पहचानते तो वो थे क्योंकि कई बार मिल चुके थे पहले, तो हाथ में रोटी लिए वो ऐसे बैठ जाते थे जगह और रोटी ऐसे दूर से फेंक देते थे। हमको देखा तो बोले कि क्यों रे, ऐसे बोले क्यों रे, तू मेरे हाथ की रोटी खाएगा भ्रष्ट हो जाएगा भ्रष्ट, है ना। वो तो अवधूत थे ना, सन्यासी थे, और मैं सर्वोपारण ब्राह्मण महाराज दूसरे के हाथ की खाने वाला नहीं, है ना। जिसके घर में कल ब्याह होने वाला है उसके घर भी आज न खाए, ब्याह होने पर भी 100-200 रुपए लेके सब खाते थे। बोला तो अरे कह रहे तो मेरे हाथ की रोटी खाएगा भ्रष्ट हो जाएगा भ्रष्ट। मैं एक बात बताई कि खिला कर खाना ये यज्ञ शिष्ट भोजन है। यज्ञ माने दूसरे को खिलाना, देवता के लिए निकाल देना, ऋषि की सेवा कर लेना, देवता की पूजा कर लेना, मनुष्य की सेवा कर लेना, पितरों की सेवा कर लेना, प्राणियों को दे लेना। आजकल तो संस्कार का युग नहीं है ना। देखो पहले हम लोग खाते थे तो हमारे बाबा ने बचपन में बताया था कि बेटा थाली में कुछ छोड़ देना चाहिए ऐसे। तो ये बोलते थे कि जब थाली में छोड़ते हैं तब भी एक मंत्र बोला जाता है, अभी याद आई है बहुत दिनों के बाद। लेप भाग भुजक प्रत्यंताम, थाली में जो लेप लगा रहता है वो जिनके हिस्से का है वे इस छोड़े हुए अन्न के द्वारा उच्छिष्ट के द्वारा तृप्त हैं। लेप भाग भुजक तृप्त्यंताम, भोजन में भी जो छोड़ते हैं छोड़ने में भी पशु पक्षी का कीड़े मकोड़े का ध्यान रखकर छोड़ते हैं। थोड़ी चींटी को मिल जाए, थोड़ी मक्खी को मिल जाए, वो तुम्हारे से आश्रित है ना। मक्खी को मारने की दवा तो तुम्हारे पास है पर मक्खी को खाना देने का तो काल नहीं है ना। वो भी तो प्राणी है, आप चूहे मार तो सकते हैं। ये यज्ञ शिष्टा सुना, यज्ञ करके ऋषियों के लिए, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए, सब के लिए यज्ञ करके जो शेष बचे उस प्रसाद का भोजन करो। इससे क्या होगा, मुच्यंते सर्व कुल विषयी, तुम्हारे अन्न की कमाई में जो पाप आया है ना तुम्हारे घर में, तो अन्न की कमाई में भी पाप आया है कि हाँ उसमें भी आया है। तो गृहस्थों के घर में जो खेती में हल से जोतते हैं ना जमीन, उसमें भी कीड़े मरते हैं, उसकी जो सिंचाई होती है उसमें भी मरते हैं, जो कटाई होती है उसमें भी मरते हैं, दवाई में भी मरते हैं, कुटाई में भी मरते हैं, सिंचाई में भी मरते हैं। वो महाराज हमने तो एक जगह देखा, एक नौकर था महाराज, तो जब घुन पड़ जाते थे ना अन्न में तो वो छानी लेता था, बिल्कुल छानी लेता था, मार डालता था। एक बार हम लोग उत्तर काशी में गए थे तो हमारे साथियों का मन हुआ कि जलेबी खा। अब उत्तर काशी में तो अच्छा खाना नहीं मिलता है ना, वहां तो पानी दाल और आटे में भी उन दिनों थोड़ी पत्थर का हिस्सा रहता था, वो चक्की से पीसते थे। तो लोगों का मन हुआ कि आज जलेबी खाई जाए। अब जलेबी जब बाजार से खरीद के आई तो उसमें इल्ली दिखती थी, हो इल्ली कीड़े होते ना छोटे छोटे, बिल्कुल छान छान के दिख रहे थे जलेबी के भीतर पके हुए। ये आपको इसलिए सुनाते हैं कि हमारी क्रिया में हिंसा बहुत है, स्नान में हिंसा है, पानी में हिंसा है, पीसने में हिंसा है, कूटने में हिंसा है, अन्न के साथ। और पैसा अगर बेनामी से आया है तो मनुष्य की भी हिंसा करके आया है, क्योंकि हिंसा मारने से ही नहीं होती, वाणी से भी होती है, मन से भी होती है। तो जब हम अन्न बांट करके खाते हैं तब उस हिंसा का दोष निवृत्त हो जाता है, और यदि अन्न को हम बिना बांटे अकेले ही खा जाते हैं
मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। क्या आपके घर में वेतन आता है या कमाई आती है तो उसमें दूसरे को दुख नहीं पहुंचता है? आपकी तनख्वाह आती है तो दूसरे को तकलीफ क्या नहीं पहुंचती है उसमें? ऐसा आपके घर में व्यापार की कमाई आती है तो ऐसा दूसरे का उसमें मन दुख करके नहीं आती है? तो फिर उस दोष की निवृत्ति भी तो होनी चाहिए ना। और उस दोष की निवृत्ति होती है बांट करके खाने से। भुंजते पेत्र मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, भुंजते पेत्र घम पापा ये सतंत्य आत्म कारणात्। सूर्य यज्ञ कर रहा है प्रकाश देकर, वायु यज्ञ कर रहा है प्राण देकर, समुद्र यज्ञ कर रहा है मेघ देकर, पृथ्वी यज्ञ कर रही है अन्न देकर, और ईश्वर यज्ञ कर रहा है तुम्हें चेतना दे करके, प्रकृति यज्ञ कर रही है तुम्हें क्रियाशील करके, और तुम यदि उस यज्ञ के प्रति कृतज्ञ हुए बिना कृतज्ञ हो करके भोग करोगे तो भुंजते तेत्लघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए पचते हैं। देखो आजकल का जो अर्थशास्त्र है उसमें कमाना कैसे ये बात सिखाई जाती है। कमाना कैसे, खर्चना कैसे, तो ये नहीं सिखाई जाती है। बोले नहीं, वो तो इकट्ठा होना चाहिए, वो तो व्यापार में लगना चाहिए, बढ़ते जाना। और खर्चना न सीखने के कारण जब सेठों के घर में पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सेठ लोग तो बड़े धर्मात्मा होते हैं। ऐसे सेठों को मैं जानता हूँ जो बिना माटी के हाथ नहीं धोते, बोला जो अपरस का कपड़ा पहनते हैं, और जो अपने ब्राह्मण के सिवाय दूसरे के हाथ की बनी रोटी नहीं खाते, ऐसे सेठों के लड़के जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, परस्त्री रखते हैं, बोला। हमको एक सेठ ने आज ही बताया कि उसका लड़का उसके साथ होटल में भोजन करने गया तो उसने पूछा कि यहाँ बीफ मिलती है कि नहीं। बीफ क्या होती है नहीं जानते, आज ही बताया। हाँ, उसमें बड़ा स्वाद आता है, बोला। तो ये क्यों, ये पाप में इतना धर्म और बेटे में इतना उच्छृंखल आचरण ये कहाँ से आया? बोले बस भुंजते पेत्र हम पापा, तुमने इकट्ठा ज्यादा किया, तुमने वितरण करना नहीं सीखा। जब किसी सरोवर में पानी आता ही आता है और निकलने का मार्ग नहीं होता है तो उसकी मेड़ टूट जाती है, उसका बंधन टूट जाता है। इसी प्रकार जिनके घर में केवल आता ही आता है और निकलने के लिए धर्म का मार्ग नहीं बना हुआ है, सदाचार का मार्ग नहीं बना हुआ है, उनके घर में दुराचार प्रवेश करता है। और हमने एक घर में देखा, दादी सास थे, दादी सास आप जानते हैं, तो वो 2 बजे के बाद भोजन करते थे, केवल 2 फटाक आता, अपने ब्राह्मण से रोटी बनवा लेती अलग अंगीठी पर, चौथे में नहीं खाती थी, है ना, और या अपने हाथ से रोटी बना के खाती थी। 2 बजे दिन के बाद वृद्धा माता थी दादी साहब, है ना, उनकी जो पुत्र वधु थी वो अपने पति के साथ क्लब में जाती थी और होटल में भी खा आती थी, और उनकी जब पवित्र वधु आई घर में तो पवित्र तो रहते थे हिंदुस्तान में, और पवित्र वधु जाके जर्मनी और लंदन और अमेरिका घूम आया करती थी अकेले, है ना। तो ये जो हमारी संस्कृति में हमारे आचरण में जो अंतर पड़ रहा है इसका कारण क्या है? या तो ये कहो कि हमारे बाप दादे बेवकूफ थे जो शराब नहीं पीते थे, हम मांस नहीं खाते थे, है ना, उनको अक्ल नहीं थी, वो अपनी बुद्धि का नाश नहीं समझते थे, और या तो तुम ये कहो कि यह संतो नवा संति सतो वा नानुवर्त थे यथैव विपरीता थे बुद्धि आचार वर्जिता। महाभारत में श्लोक कई बार आया यह संतो नवा संति, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। क्या तुम्हारे गांव में कोई सत्पुरुष नहीं रहता है?
सतोगा मानु वर्तते, या सत्पुरुष तो रहता है लेकिन तुम उसके अनुसार चलते नहीं हो। तो ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? तो यो पूछ रहे हैं, जथैवम विपरीता ते बुद्धि आचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है और आचार वर्जित आचार वर्जित हो गई है। तो भाई बात यह है कि भुंजते से स्वघम पापा जी पचनते आत्म कारणार्थ, जो अपने लिए पकाते हैं, इसका एक दूसरा अर्थ भी है, जो अपने लिए ही पचते हैं। अरे खुद ही तो पक रहे हैं ना, है? चाहे एयर कंडीशन में बंद होके पचो है? और चाहे मशीन के साथ गर्मी में पचो, रच पच रहे हैं जो लोग, उनको ये सूर्य की गर्मी पका रही है कि नहीं, आग की गर्मी पका रही है कि नहीं, मशीन की गर्मी पका रही है कि नहीं, वो खुद पक रहे हैं। जे पचंती आत्म कारणात, तुम पचाए जा रहे हो, भूतानि कालः पचति इति वार्ता, तुम स्वयं पचाए जा रहे हो, काल तुमको पका रहा है। मासर सुदर्पी परिवर्तने न सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधने न अस्मिन् महामोहमये कदाचे भूतानि कालः पचति इति वार्ता। जक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर तुम ये बताओ दुनिया में समाचार क्या है, वार्ता क्या है, आजकल क्या व्यापार चल रहा है दुनिया में? धर्मराज युधिष्ठिर तुम हमको बताओ तो दुनिया में आजकल क्या व्यापार चल रहा है? तो वे बोले कि मास और ऋतु की कलछी से उलट पलट करके, है ना, सूर्य की आग से और रात और दिन के ईंधन से ये ब्रह्मांड के कड़ाहे में ये जो प्राणी हैं ये पकाए जा रहे हैं, और पकाने वाला है काल। जो बच्चा था सो जवान हो गया, जो जवान था सो बूढ़ा हो गया, जो बूढ़ा था सो मर गया। अगर पकाया नहीं गया तो काले बाल सफेद क्यों हुए बताओ? वो बच्चा जो है जिसका नरम नरम शरीर था वो कड़ा कैसे हुआ? जो कड़ा कड़ा था नरम कैसे हुआ? तो ये मोहमय कड़ावे में, मोह के कड़ावे में प्राणियों को पका रहा है काल। सचमुच ये प्राणी पच रहा है, पकाया जा रहा है, इसको खा जाएगा ये काल, पका करके खा जाएगा। अगर ध्यान नहीं करोगे पका करके खा जाएगा ये काल। तो यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, संत कहने का एक अभिप्राय है। आप जानते हैं मुसलमानों में एक मौलवी होते हैं, वो केवल कुरान शरीफ के मुताबिक मुसलमान को धर्म बताते हैं, और एक हिंदुओं में ये अपने अपने संप्रदाय को लेकर के चलने वाले पुरोहित लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं। ये अपने संप्रदाय से बाहर नहीं जाते हैं, वो एक एक घेरा लेकर के बैठते हैं। ईसाइयों में पादरी होते हैं, पादरी हिंदू धर्म का आचार्य नहीं होता और हिंदू धर्म का आचार्य पादरी नहीं होता, और आचार्य और पादरी मौलवी नहीं होते और मौलवी पादरी नहीं होता। इसी तरह समझो एक एक पंथ लेकर के जो बैठे हैं वो मौलवी हैं, वो पुरोहित हैं, वो पादरी हैं। संत किसको कहते हैं? संत उसको कहते हैं कि जो इन मजहबी बंधनों से मुक्त होता है। आप सुन लो इस बात को, बोला महंत दूसरी चीज है, आचार्य दूसरी चीज है और संत दूसरी चीज है। जो निर्विशेष सत्ता सन्मात्र परमात्मा से एक है, सारे पंथ हमारे हैं, सारी दुनिया हमारी है, सारी संस्कृतियां हमारी हैं, बोला उसका नाम होता है संत। और जो एक घेरे में फंसा हुआ है उसका नाम होता है पुरोहित, पादरी, मौलवी। वो तो अपने पंथ के सिवाय दूसरे पंथ की बात जानते ही नहीं। तो वो संत है। यज्ञ शिष्टासन का अर्थ ये कि खिलाते समय ये ख्याल न करे कि हम हिंदू को खिला रहे हैं कि मुसलमान को,
मुसलमान को खिला रहे हैं कि पादरी को बोला ये ख्याल यज्ञ शिष्टा सुनहा, यज्ञ करते समय ये ख्याल मत रखो सर्वभूतानी मनसा मानव सर्वभूतानी मनसा प्रणमे साधु मानयन, सबके भीतर एक परमेश्वर बसा हुआ है, सबके भीतर पशु पक्षी मनुष्य सबके भीतर उसका नाम होता है संत। वो तो किलबिश से मुक्त हो जाते हैं, कमाओ खूब खाओ खूब है ना, परंतु पहले खिला के खाओ, तब तुम्हारे जो कमाने का और खाने का ताप है वो मिट जाएगा। और आत्म कारणात जे पचंती, जे पचंत आत्म कारणात, केवल अपने लिए नारायण बोले बस भुंजते थे प्रघम पापा। ये ऋग्वेद में मंत्र है, ये जो गीता का ये श्लोक है ये अनुवाद है, एक धनान नदान सूक्त है, धनान नदान सूक्त ऋग्वेद में उसका नाम है ना। केवल आधो भवती जस केवल आदि, वो केवल पाप ही उसके हिस्से मिलता है जो केवल अपने खाने के लिए ही काम करता है, अपने लिए अपने परिवार के लिए सीमा मत बनाओ, ईश्वर के लिए काम करो, ईश्वर के लिए, तब तुम्हारा नाम संत हो जाएगा।